हाय एवरीवन, दिस इज क्षितिज फ्रॉम एस्ट्रोमेचर। आज हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कैप्चर करके दिखाने वाले हैं थ्रू माय टेलीस्कोप, और ये हमारे लाइफ का सेकंड बेस्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि एक हैबिटेबल सैटेलाइट है जिसे लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया है, और करेंटली इस टाइम 7 क्रू मेंबर हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर हैं। और यहाँ पर ISS 1998 से स्पेस में है, और वो हमारे अर्थ का सिर्फ 90 मिनट के अंदर फुल कंप्लीट चक्कर लगा लेता है। काफी सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि स्पेस स्टेशन को हम लोग कब देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, सिंपल वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसकी दो विंडो रहती है। पहला होता है आफ्टर द सनसेट, मतलब शाम का समय, और दूसरा होता है बिफोर द सनराइज, मतलब सुबह का समय। और ये दोनों टाइम आपको ISS को देखने का बहुत ही बड़ा गोल्डन चांस मिलता है। और आप लोग अब ये सोच रहे होंगे कि ISS का टाइमिंग क्या होगा आने का। दोस्तों, ये एक ऐप बताता है जिसका नाम है ISS डिटेक्टर, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप एरिया का लोकेशन ऑन कर लेना, वो ऑटोमेटिक ले लेगा और आपको बता देगा कि ISS कब आने वाला है। और यहाँ पर ISS को देखने के लिए आपको मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना पड़ेगा। जितना ज्यादा वो माइनस में रहेगा उतना ज्यादा आपको ब्राइट देखने को मिलेगा, मतलब आपके स्काई के अंदर, तो आपको वो आराम से विजिबल हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को ISS को कैप्चर करना है तो ये वीडियो जरूर इन तक देखिएगा। स्पेस स्टेशन को कैप्चर करने के लिए काफी ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है और पेशेंस भी रखना पड़ता है, और काफी ज्यादा एफर्ट लगते हैं उसके अंदर। और आप लोग एक बार सोच के देखिए, जो ISS होता है हमारे स्काई के अंदर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारे स्काई में मूव करता है, और वो एक स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है जो कि स्काई में आपको देखने को मिलता है, और ये अल्टीमेट एस्ट्रोफोटोग्राफी चैलेंज होने वाला है हमारे लिए। सो आज है 6 अक्टूबर 2023, और आज ही के दिन ISS हमारे विलेज से क्रॉस करने वाली है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होने वाला है -3.7 होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। लेकिन ये बेस्ट चांस नहीं है ISS को कैप्चर करने का। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इधर देख सकते हो, ये है वेस्ट डायरेक्शन जिधर हमारा सनसेट होने वाला है, ठीक है। यहाँ से ISS राइज होगी और इतना ऊपर से जाएगी, और हमारे साउथ डायरेक्शन में आके वो गायब हो जाएगी। एटमॉस्फेयर का डिस्टॉर्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये 42 डिग्री ही ऊपर आने वाली है, ये ज़्यादा ऊपर नहीं आने वाली है। तो हमारे साथ ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हम लोग आज ट्राई ज़रूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले गियर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो जो चीज़ लगने वाली है ISS को कैप्चर करने के लिए। तो आज हमारे पास 10 mm की आईपीस है। मैं आज इसी से स्पेस स्टेशन कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर हमारे पास 76 mm डायमीटर टेलीस्कोप है जिसका फोकल लेंथ 700 mm है। तो सबसे पहले काम ये है कि हम लोगों को एक्यूरेट अपना फाइंडर स्कोप अलाइन करना पड़ेगा उस वाले फ्लैग से। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अलाइन करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर ये फ्लैग देख पा रहे होगे, और जो हमारा, अगर आपको फाइंडर स्कोप दिखाने की कोशिश करूं परफेक्टली तो आप लोग नहीं कहोगे, लेकिन इतना मैंने कर लिया हूं कि ISS हमारे सेंटर में ज़रूर रहेगा, देख सकते हो आप। तो हमारा गुड अलाइनमेंट हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मैं 6:59 PM पर मिलता हूं। Thank you.
फाइनली आज हम लोग फिर से आ गए हैं, क्योंकि आज है 7 अक्टूबर 2023 और आज भी आपको ISS दिखने वाला है। मतलब आज भी हम लोग ISS को कैप्चर करने का ये लास्ट चांस है, क्योंकि आज हमारा 4 मैग्नीट्यूड होने वाला है और ये बेस्ट दिन होने वाला है ISS को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि ISS हमारे नॉर्थ डायरेक्शन से राइज होगा और हमारे वेस्ट डायरेक्शन को कवर करते करते ईस्ट डायरेक्शन में जाके वो गायब हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चांस होने वाला है, क्योंकि आज एटमॉस्फेयर का डिस्टॉर्शन भी नहीं रहेगा क्योंकि जस्ट हमारे ऊपर से जाएगा, तो ये काफ़ी बेस्ट दिन होने वाला है। तो आज मैं आपको अपने एस्ट्रोफोटोग्राफर फ्रेंड से मिलाने वाला हूँ, वो हमारी हेल्प करेंगे ISS को कैप्चर करने में। तो यहाँ पर आ चुके हैं, इनके चैनल का नाम है एनीथिंग एस्ट्रो। गाइज, मैं और एस्ट्रो में जब साथ मिलकर ISS को कैप्चर करने जा रहे हैं। गाइज, मैं और एस्ट्रो हमेशा साथ मिलकर ISS को कैप्चर करने जा रहे हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को काफ़ी बेस्ट चांस मिला है ISS को कैप्चर करने के लिए और ये लास्ट डे है, तो हम लोग अपना बेस्ट देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग 12.5 mm की IPs यूज़ करने वाले हैं ISS को कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ISS का वेट करना स्टार्ट कर दिया। ISS अभी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि 6:10 से उसकी स्टार्टिंग है और 6:17 पे उसकी एंडिंग है। तो हम लोगों ने काफ़ी देर तक ट्राई करा, 6:14 तक हो गया, लेकिन हम लोगों को ISS नहीं दिख रहा था। थोड़ा सा हम लोग और वेट करें, 6:15 जब हुआ, तब थोड़ी ही देर बाद मेरे दोस्त को वो सडनली हमारे स्काई के अंदर दिखा ISS, जो कि हमारे लेफ्ट साइड से आ रहा था। अगर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लेफ्ट साइड से हमारा ISS आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसको अपने टेलीस्कोप से ट्रैक करा और हमारा दोस्त इसको फ़ोन से ट्रैक कर रहा था। फाइनली गाइज, हम लोगों ने अपने 76 mm टेलीस्कोप से अभी जस्ट ISS को कैप्चर करा, जो कि जस्ट हमारे ऊपर से जा चुका है इस डायरेक्शन में। यहाँ पर एस्ट्रोमेचर ने अपने टेलीस्कोप से ट्रैक किया था ISS को और मैंने अपने फोन से ट्रैक किया था ISS को। दोनों लोग काफी मेहनत से ISS को कैप्चर किए, वो काफी ब्राइट दिखाई दे रहा था, काफी अच्छा दिखाई देता। और गाइज, मेरा पहला अटेम्प्ट था और एस्ट्रोमेचर का सेकेंड अटेम्प्ट था, काफी मुझे अच्छा लगा कि एस्ट्रोमेचर के साथ में ISS को कैप्चर किया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जितनी भी डाटा वगैरह कैप्चर कर रहे हैं, कल जो हम लोगों ने कैप्चर करा था 6 अक्टूबर का और आज 7 अक्टूबर है, दोनों डाटा को पीसी में डाल के स्टैक करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट के साथ मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने पीसी पर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको दो डाटास देखने को मिल रहे होंगे, एक है 6 अक्टूबर का और एक है 7 अक्टूबर का। जो हम लोगों ने 6 अक्टूबर को ISS को कैप्चर करा था, मैं आपको सबसे पहले उसका डाटा दिखा दे रहा हूँ। ये हमारी रॉ फुटेज है जो हम लोग अपने कैमरे से कैप्चर करे थे, देख सकते हैं आप। देन फिर उसके बाद मैंने इसको पिप सॉफ्टवेयर में डाला और इसको कन्वर्ट करके यहाँ पर निकाला, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो करीब हमारे पास 531 फ्रेम्स थे ISS के, तो ये हमारे ISS के 531 फ्रेम्स है जो कि हम लोगों ने 6 अक्टूबर को कैप्चर करा, ठीक है। और मैं आपको अब दूसरा डाटा दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये 7 अक्टूबर का है। तो मैं सबसे पहले आपको रॉ डाटा दिखा दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने यहाँ पर रॉ डाटा तो देख लिया होगा, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो मैंने पिप से सेंटर कराया वीडियो को अपने ISS वाले को। और करीब मैंने फ्रेम्स निकाले हैं 5000 से भी ज़्यादा फ्रेम्स है, क्योंकि 3 मिनट की वीडियो थी तो 5000 से भी ज़्यादा फ्रेम्स थे। तो यहाँ पर हमको अब एक एक करके एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट फ्रेम है ISS का, तभी मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखा पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, एक बेस्ट इमेज फाइंड आउट करते हैं ये ढेर सारी फ्रेम्स से, फिर स्टैक करते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर आपको फाइनल रिजल्ट के साथ मिलते हैं।